नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, पर पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, 2 दिन पहले संडे को हमने एक लाइव कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में आपको कई जानकारियां दी थी और उस जानकारियों के आप मतलब हिसाब से अब जो ये नकली वाले बाबा हैं, ये उस तरह की प्रस्तुतिकरण खुद को मतलब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आग लग गई है। असल में क्या है कि हमने, आप अगर पुराना लाइव आपने संडे को जो किया था सुना हो, उसमें हमने आपको बताया कि हनीप्रीत को लेके और इस नकली वाले बाबा को लेके कुछ खींचतान डेरा के प्रबंधकों में चल रही है। और एक खींचतान इस तरह की है कि हनीप्रीत और ये नकली बाबा ने अपनी मर्जी से कुछ पैसा जो है वो ज्यादा खर्च कर दिया है, और इस पे प्रबंधकों ने इनको खींच लिया है कि भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कैमरे पे लाने के लिए भी तुम अपनी मर्जी से इतना पैसा खर्च दो। अब ये ज्यादा पैसा कितना है जो खर्च दिया है, मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा, मतलब आपको लगे भी ऐसा कितना का खर्च दिया होगा अभी जो नाराजगी हो गई, तो ये थोड़ा ज्यादा भी अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, कोई 15 करोड़ बता रहा है, कोई 25, कोई 50, मतलब इतना पैसा फालतू खर्च दिया है इन्होंने अपनी मर्जी से, जो डेरा के प्रबंधक संगत से लूटते हैं उसमें से। तो इनको मतलब एक तरह से एक लिमिट दे रखी है भी इससे ज्यादा पैसा आप फालतू नहीं खर्च कर सकते, और उन्होंने उससे ज्यादा खर्च कर दिया। उसको लेके खींचतान जो है मैनेजमेंट में, और ये नकली बाबा जमूराम महंत जिसे हम कहते हैं, और तीसरा हनीप्रीत को लेके खींचतान वहां बनी हुई है। और अब क्या है कि आज एक नई नौटंकी इस नकली बाबा ने जो आज का कार्यक्रम किया है उसको लेके हम आपको बताना चाहेंगे आज के लाइव में। और इसके अलावा जो सिस्टम डेरे में चलता है, जैसे अगस्त के महीने में कुछ चलता है, तो उसको लेके भी जो नकली बाबा ने जो जो तैयारियां की हैं उसकी जानकारियां भी आपको देंगे। और इस सबके बीच एक खबर आई है फरीदाबाद नू मेवात एरिया से, सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिक दंगों की, उसको लेके भी जानकारी आपको देंगे। तो तमाम जानकारी आपको देंगे आज के लाइव डिस्कशन में। तो सबसे पहले आप जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी साथ संगत है, सबको परम पूजनीय हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन जन्म माह की अवतार माह की हजूर पिताजी को, समूची साथ संगत को, अति पूजनीय माता नसीब कौर जी को, आदरणीय शाही परिवार को व समूची सृष्टि को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, क्योंकि फिलहाल ये दौर कुछ ऐसा ही है जहाँ पे अच्छाई बुराई थोड़ा ज्यादा टकरा रही है और बड़ा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, और ऐसे में बुराई का झंडा लेके चलने वालों की गिनती ज्यादा है। दिलचस्प ये है कि जो झंडा लेके चल रहे हैं वो अच्छाई का भेष धारे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अब आज जो कार्यक्रम हुआ है डेरे में नकली जमूर हेमंत का, एक तो इसने बड़ा दर्द जताते हुए ये घोषणा की है भी अगर कोई मुझे नकली कह रहा है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो काम करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। एक तो ये चीज खुल के उसने आज बोली है। दोबारा आपको बता दे, क्योंकि कई बार क्या है ना, आपको बार बार ये भाषण देता है कि निंदा को सुनना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर उसके बाद फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कार्यक्रम नहीं सुनना चाहिए, बकायदा इसके लिए आईटी विंग पूरा कैंपेन चलाता है, घर घर जाके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का पेज यूट्यूब चैनल ब्लॉक करता है, उसके बाद वो अलग बात है भी आपकी पर्सनल जानकारियां भी चुरा लेता है, पर ये सारा कुछ करता है। उसके बावजूद आज जमूरा महंत नकली बाबा ये कह रहा है कि बेशक कोई मुझे नकली कहे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको ये पूछो जाके कि भैया तूने खुद ही तो ये मना किया हुआ है ये सब कुछ सुनने से, भैया तेरे को कैसे पता भी तेरे को कोई नकली बोल रहा है, तेरे को कैसे पता भी जो बातें हम लाइव में उठा रहे हैं तुझे कैसे पता,
मतलब क्या ना, आप बाबा बैंगन खाए लोगों को उपदेश बताए, तो ये लोगों को तो उपदेश बता रहा है अभी, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ना सुनो, और यकीन मानो अभी भी खोल के बैठा होगा सुनने के लिए। तो सबसे ज्यादा तो इसी के चेले सुनते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पता होना चाहिए भी भाई अब अगली प्लानिंग कैसे करनी है, कि कौन कौन सी प्लानिंग हमारी पकड़ी गई। तो ये एक चीज हुई है। इसके अलावा एक और चमत्कार इसने करके दिखाया है। कल कल क्या तारीख थी, 31 सोमवार को, तो इसने क्या किया, सोमवार को ये थोड़ा अपनी, क्योंकि तो क्या होता है, जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं ज्यादातर ये मतलब शिव जी की पूजा ज्यादा करते हैं तंत्र मंत्र में, तो क्या कि इस ये सोमवार को क्या हुआ, बरनावा डेरे में संगत पहुंच गई। अब संगत पहुंच गई तो बुलाया होगा तभी पहुंची, तो इन्होंने कहा अभी वहां पे नाम देंगे, संगत को बुलाओ। असल में नाम तो बांधना है, वहां पे क्या है, कोई तंत्र क्रिया करनी होती है, उसके बाद कुछ खाने का प्रसाद दिया जाता है, उस प्रसाद का असर आजमाना होता है, और जिस जगह पे असर आजमाना होता है वहां के लोगों को नाम लेने के लिए बुलाया जाता है जानबूझ के। ये एक अलग प्रोसेस चल रहा है साइड बाय साइड, वो आपको देर में समझ में आएगा, जब इस नू जैसी घटनाएं होती है तब आपको समझ में आता है। तो क्या है कि कल इसने लोगों को बुलाया और वहां पे दिखाया गया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, हुई नहीं थी लेकिन दिखाया गया। अब वहां क्या हुआ, जो लोग पहुंच गए, मतलब हजारों की गिनती में लोग पहुंचे बरनावा में, वहां पे कहा गया भी जिस नाम लेने लोग इस तरह से आए भी नाम दिलवाने लाए हैं, तो वहां ये घोषणा की गई भी जो लोग नाम दिलवाने लाए हैं उनके जिम्मेवार का नाम बताओ। तो उन्होंने जिम्मेवार का नाम पूछा। अब जो व्यक्ति नाम दिलवाने लाया है, जो भी है, जिसके जिम्मेवार ने स्टैंड ले लिया कि भाई ये मेरे मैंने लोग भेजे हैं इनको अंदर एंटर कराओ, उनको तो एंटर करा दिया, लेकिन जिन्होंने स्टैंड नहीं लिया, मान लो आपके ब्लॉक से कुछ लोग गए, उन्होंने कुछ नाम वाले जैसे भी कह लो पैसे दे के जैसे भी लोग इकट्ठे करके वो वहां ले गए, और उसके बाद उनको एंट्री दिलवानी थी भी, स्टैंड लेना था, लेकिन आपका जिम्मेवार पीछे हट जाए, तो ऐसे लोगों को बरनावा में एंट्री नहीं मिली। कुछ छोटे चालाक थे, उन्होंने अपने तरीके से बहाने बोलने लगा के वहां पे एंट्री ले ली। अब वहां पे उनकी उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। उसके अलावा जो लोगों ने मतलब ये स्टैंड नहीं लिया, और वो उनके हिसाब से तो नाम लेने आए थे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसे असली समझ रहे हैं वो जरा हजूर पिताजी के तरीके से इस निगाह को, इस मतलब उनकी निगाह से इस सारे घटनाक्रम को समझे। हजारों लोग आए एक तरह से नाम लेने, उनमें से जिनको जिम्मेवार लेके आए, और जिम्मेवार जिनको कोई जिम्मेवार नहीं लेके आया, मतलब अपनी मर्जी से नाम लेने आ गए एक तरह से, उनकी एंट्री बरनावा डेरे में अलाउड नहीं है, उनको बाहर सड़क पे खड़ाए रखा गया। अब क्या हुआ, क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा हो गए, वहां पे थोड़ी धक्का मुक्की जो भी हुआ, अब वहां पे हजूर पिताजी, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें इंटरनेट में, हजूर पिताजी किसी को नाम देने से मना कर दें, ये एक अजीब घटना है, भी हो नहीं सकता, और इसने तो डेरे के बाहर ही खड़ा कर दिया अभी ना, जब तक जिम्मेवार नहीं लेकर आएगा तब तक नाम नहीं दिया जाएगा। अब आप ये सोचो कि वहां पे जो लोग ले जाए गए, क्या वो वास्तव में नाम देने के लिए ही ले जाए गए या किसी और काम के लिए ले जाए गए, ये आपको इसलिए सोचना है क्योंकि आपके इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति बरनावा ना जाए, तो जिम्मेवार आपको बुलाए तभी जाना है, लेकिन वो जिम्मेवार कौन है, किससे पूछना है, ये जानकारी व्हाट्सएप पे नहीं आ रही। तो फिर कौन से जिम्मेवार हैं जो ये घोषणा खुद से ही कर दे रहे हैं, अभी हम बरनावा में हैं, और वो लोगों को बुला भी ले रहे हैं और वहां पे वो एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, यही चीज आपको समझ नहीं है। अभी बरनावा में जो नाम देने के नाम पे कल सुबह सुबह लोगों को बुलाया गया, वो लोग कौन थे, उनको एक खास जिम्मेवार के साथ ही एंट्री दिलाई गई, तो क्या वो नाम देने के लिए बुलाए गए थे या किसी और काम के लिए बुलाए गए थे? इस कार्यक्रम के चंद घंटों बाद फरीदाबाद नू मेवात के एरिया में सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, और बिल्कुल वही पैटर्न है
जो पैटर्न 2020 में दिल्ली के दंगों में आजमाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस की जांच कह रही है इस सेम पैटर्न पे। जब डेरे की तरफ से हर जगह ये मैसेज है कि बरनावा किसी ने नहीं जाना, तो फिर एक खास जिम्मेवार अनजान लोगों को नाम दिलाने के नाम पे वहां पे क्यों लेके गए, और सिलेक्टेड लोगों की ही एंट्री वहां क्यों थी, बाकियों को सड़क पे क्यों छोड़ दिया गया। चलो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे एक नई नौटंकी हो रही है। वो नौटंकी ये कि उसके बाद ये जमूरा महंत जो भी ये नकली बाबा बना है, ये वहां क्या बोलता है, भी तुमने इतनी धक्का मुक्की करी, तुम्हार को कोई खुशियां नहीं, तुम्हार को कोई सत्संग का फल नहीं, तुम्हार को कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि चलो जिम्मेवार की कोई गलती हो फिर तो समझ में आता है, उसको बोल दिया जाए भी तूने कोई बड़ी गलती कर दी। संगत को अगर हजूर पिताजी कभी ऐसा सोच भी सकते हैं, संगत को बोल देना तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो नाम लेने आए हैं। अब ये चीज क्या है, समझ में आ रही है आपको? क्योंकि असल में जो लोग वहां गए उनको डेरे की मर्यादाओं की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग डेरे के थे ही नहीं। वो कौन थे जो वहां बुलाए गए, और कौन से जिम्मेवार उन्हें बुलाए, और क्यों बुलाए? फिर उसके चंद घंटों बाद ये वही पैटर्न है जो पैटर्न दिल्ली दंगों में अखंड सिमरन के नाम पे इस्तेमाल किया गया। अभी एक तरफ मजलिस कैंसिल होती है, उसी दिन सुबह सुबह 7 बजे हजारों लोग पहुंच भी जाते हैं, बिना जिम्मेवार वालों को बाहर निकाल दिया जाता है, खास सिलेक्टेड लोगों को अंदर बुलाया जाता है। सारा क्या चल रहा है ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि 2017 के बाद, 17 छोड़िए 15 से ले लो, 2015 से लेके 2023 आ गया है, उत्तर भारत में जितने भी सांप्रदायिक हिंसा के काम हो रहे हैं, जितने भी इससे रिलेटेड काम हो रहे हैं, उस सब में एडम ब्लॉक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये आपको आज समझ आ जाए, कल समझ आ जाए, नॉर्थ इंडिया में जितने भी ये काम हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो रहा है, चाहे वो सिरसा में, चाहे फरीदाबाद में, चाहे पंजाब में, सब जगह एडम ब्लॉक का एक्टिव रोल है, और यही इस सारे प्रपंच के पीछे चलने वाला काम है। 2017 में जो दंगा नहीं हुआ उसकी आड़ में जितना भी सामान इकट्ठा हुआ, जितनी भी ट्रेनिंग इकट्ठी हुई, वो सारी इसी जगह इस्तेमाल हो रही है। अब क्योंकि इस सबको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको हजूर पिताजी के चेहरे की जरूरत है, तो कवर अप के लिए ये नकली बंदा सरकार परमिशन देती है, और उसकी आड़ में जो आरएसएस जैसे संगठन है वो हिंदुवाद का एजेंडा बराबर चलाते हैं। मतलब एक साथ कई प्लान काम कर रहे हैं, और उस प्लान में किसको क्या पता है भी कौन कौन से प्लान का हिस्सा बना हुआ है, कोई मतलब नहीं। हजूर पिताजी बोलते हैं जैसे मतलब हट्टे कट्टे भिखारी को आप पैसा दे दो, और वो पैसे के बाद किसी का कत्ल कराए या किसी को मार पीट दे, तो आपने घर बैठे पापों की गठड़ी खरीद ली। इसी तरह जो पैसा आप इनको दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ कहाँ जाके किन किन लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, इसको आपको समझना जरूरी है। ये तो एक अलग हिस्सा है। इसके अलावा यूपी वाले महाशय ने एक और काम किया आज। मतलब क्या है कि आप इसको इस तरह से समझें कि जब कोई बुराई छोड़ता है, मान लो हम आप कोई भी व्यक्ति का जब कोई बुराई छोड़ता है तो एक कसम लेता है कि मैं ये बुराई आज के बाद नहीं करूंगा, मतलब उसमें वो बुराई होती है, कसम लेता है कि मैं नहीं करूंगा। जो करता ही नहीं है वो कसम किस चीज की लेगा, तो करता ही नहीं है, उसमें है ही नहीं वो बुराई। दूसरे स्तर पे जब आप कोई अच्छाई गुण ग्रहण करते हैं, मतलब कि आज से मैं ये अच्छा काम करूंगा, तो इसकी शपथ लेते हैं, इसकी शपथ लेते हैं, इसमें कसम नहीं खाई जाती, इसकी शपथ लेते हैं कि आज से मैं ये अच्छा काम करना शुरू करूंगा, या प्रण लेते हैं एक तरह से, तो वो होता है। अब हजूर पिताजी जब सात संगत को प्रण करवाते हैं किसी अच्छे काम का, तो उसके उसमें जब हाथ खड़ा करवाते हैं तो सार खुद भी हाथ खड़ा करते हैं भी हम इस प्रण में आपका सहयोग करेंगे, जैसे उनसे बन पड़ेगा। लेकिन जब संगत बुराई छोड़ती है कोई, उसमें हजूर पिताजी हाथ खड़ा नहीं करते, क्योंकि संतों में तो बुराई होती ही नहीं, तो संत थोड़े हाथ खड़ा कर कसम खाएंगे भी मैं ये बुराई आज के बाद नहीं करूंगा। लेकिन इस जमूरे महंत ने पहली बार बुराई छोड़ने की कसम खाई आज कि मैं ये बुराई छोड़ रहा हूं और मैं कसम खाता हूं। क्या बुराई छोड़ी है? कि मैं आज के बाद डेरे की संगत का पैसा नहीं खाऊंगा। और ये बुराई उसने हनीप्रीत के साथ बराबर छोड़ी है, हनीप्रीत ने भी हाथ खड़ा किया। मतलब ये जो आपको पिछले 2 दिन पहले हमने लाइव में बताया भी, जो पैसे को लेके इन दोनों ने
उड़ा दिया पैसा, क्योंकि अब पिताजी का चेहरा तो सिर्फ कैमरे पे है, असल जिंदगी में तो ये कोई और है, इन और हनीप्रीत का खास होगा। तो इन दोनों ने मिलकर जो पैसा उड़ाया वो पैसा एडम ब्लॉक की मर्जी के बगैर उड़ा दिया, और उसकी माफी ये अब संगत के सामने मांग रहा है कि आज के बाद मैं संगत का पैसा नहीं खाऊंगा। और ये और हनीप्रीत दोनों मांग रहे हैं, और ये आज के जो कार्यक्रम में 1 अगस्त 2023 के कार्यक्रम में ये माफी इन्होंने आज के लाइव प्रोग्राम में शासक राम जी धाम में संगत के सामने मांगी। अब आप बताओ, हजूर पिताजी बोलते थे कि हम अपने शरीर पर जो कपड़ा पहनते हैं, अपने कमरे का जो बिजली का बिल है, अपनी गाड़ी जो खुद अपने लिए इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, वो सब अपनी ही कमाई से खरीदते हैं, डेरे के पैसे से नहीं खरीदते। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये मांग रहा है माफी की मैं डेरे का पैसा नहीं खाऊंगा। ये किस तरह की सोच है? अब आप जो इसको असली कह रहे हैं वो इस सवाल का जवाब दो। हजूर पिताजी बोलते थे कुछ साबित कर दे, हमने 1 रुपया भी खाया हो डेरे का, हम सिर्फ सिर की शर्त रखते हैं। और ये कह रहा है जी मुझे माफी दे दो, मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं डेरे की संगत का पैसा नहीं खाऊंगा। और उसके बाद भी ये संकल्प भी अधूरा है, ये भी एक अपने आप में झूठ है। क्यों झूठ है? कम से कम इतनी तो घोषणा करता। इन्हीं दिनों में 5 अगस्त की बात है, 2016 या 15 या 16 की बात होगी, 5 अगस्त 2015-16 की जहां तक मेरे ध्यान है, या हो सकता है इससे पहले की हो, हजूर पिताजी बरनावा आश्रम में ही गए हुए थे सत्संग करने। वहां पे 101 के करीब लोगों ने ग्रीनेस के खाते में पैसा जमा करवाया। जब पैसा जमा करवाया तो पिताजी ने चलती मजलिस में पूछ लिया कि भाई तुमको इस पैसे की रसीद मिली है? तो उनमें से काफियों ने बोला कि हमें रसीद नहीं मिली। अब जब रसीद नहीं मिली तो हजूर पिताजी ने कैशियर को बुलाया ग्रीनेस विंग के, भाई इनको रसीद क्यों नहीं दी? 5 अगस्त 2017 की बात है, तो इनको रसीद क्यों नहीं दी? अब जब रसीद नहीं दी तो उसी टाइम सारी रसीदें काट के दी गई। और उसके बाद पिताजी ने हाथ जोड़ के सात संगत से प्रार्थना की भी आप कोई भी पैसा डेरे में ग्रीनेस के विंग में जमा कराते हैं तो उसकी पक्की रसीद जरूर लेनी है। 2017 के बाद ग्रीन 25 अगस्त 2017 के बाद ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की एक भी रसीद नहीं काटी गई है। ये सात संगत को पता होना चाहिए कि 25 अगस्त 2017 के बाद एक भी रसीद ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भलाई खाते की नहीं काटी गई है। मतलब जितना भी पैसा सात संगत से लिया गया है ये सब एक काले धन की तरह है, इसका कोई इस्तेमाल सेवा में नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आज ये नकली जमुरा मंत्र और इसकी जो भी कह लो, ये खुसरा गैंग की सरगना कह लो, जो भी है, अगर ये माफी मांग रहे हैं भी हम आज के बाद पैसा नहीं खाएंगे, तो इनको बोलो भी जो इसको गुरु माने बैठे हैं कि भाई एक काम कर, तू ये रसीद तो दिलवा पैसे की। क्या गारंटी है कि अब जो पैसा आप दे रहे हो वो भलाई में ही जा रहा है, या वो नू फरीदाबाद में जो गुंडे जा रहे हैं उनको नहीं जा रहा है, जो वहां पे लोगों की हत्याएं करते हैं फिर रहे हैं सांप्रदायिकता के नाम पे, उनको ये पैसा नहीं जा रहा है? क्या गारंटी है? तो ये चीज आप पूछो कि भाई माफी तो मांग ली, चल ठीक है, आज ऐसा दौर आ गया गुरु शिष्यों से माफी मांग रहा है, मतलब ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया भी शिष्यों से माफी मांग रहा है, तो माफी तो क्या हो रहा है, कचरा है, गंद खाना जितना मर्जी फरोल लो। मतलब अब ऐसे शिष्य ऐसे हैं जो व्यभिचारी हैं, नशेड़ी हैं, मांसाहारी हैं, उनके सामने माफी मांग रहा है कि मैं ये पैसे नहीं खाऊंगा। अजीब है ना भी, क्या है कि क्या इसको कैसे समझाएं, राक्षसों की फौज बनी हुई है और उनका सरगना छोटे राक्षसों से माफी मांग रहा है कि मैं आज से राक्षस नहीं बनूंगा। अजीब है, और उन्हीं का गुरु है राक्षसों का ही। तो खैर ये चीजें आप कैसे समझे मालूम नहीं, पर इंटरेस्टिंग ये है कि अब ये नौटंकी भी चलने लगी है और दोनों हाथ खड़े करके माफी मांग रहा है कि मैं पैसा नहीं खाऊंगा और मैं ये कसम खाता हूं। तो आप अब देख लो भी आपका ये
जमूरामा अंत कितना का असली है और क्यों इसको डर लगा हुआ है, भी कैसे, क्या कोई सोच रहा है, किसके मन में ये बात आई है, क्या संगत ने कभी ये सवाल उठाया है हजूर पिताजी के ऊपर कि आप पैसा खा रहे हो, कभी आपको ये सवाल कहाँ उठाया, ये सवाल कहाँ, ये तो हमने भी नहीं उठाया, किसी और ने, छोड़ो और तो कोई उठा ही नहीं रहा है, जब ये सवाल ही नहीं उठा तो माफी कहाँ से मांगो, क्योंकि ये सवाल एडम ब्लॉक की आपसी लड़ाई में उठा है। अब आपसी लड़ाई में एडम ब्लॉक ने इनको डंडा दे दिया दोनों को कि भैया माफी मांगो, आज के बाद नहीं खाओगे एडम ब्लॉक के हिस्से का पैसा, जो ऐश परस्ती करनी है वो बराबर जितना दिया जाए उतने में करनी है, फालतू में नहीं करनी है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि अब और कितने, चलो जो भी ये नकली वाले को असली माने बैठे हैं, जो कौन कौन से सबूत जी भी ऐसे निकम्मे बेशरम आदमी को आप गुरु बना रहे हो, संत वो भी पूर्ण संत जो मोक्ष देता है, मतलब एक मुक्ति का दाता, चोर मतलब पैसों की ठगी की माफी मांग रहा है कि मैं आज के बाद ठगी नहीं करूंगा, वो जो भगवान के कहने पे रूहों को मोक्ष दिलाने आया है धरती पे, और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्म महीना मना रहे हो आप, और उसमें वो माफिया मांग रहा है, भैया इससे गए गुजरे, मतलब ये तो एक आम संगत से भी गया गुजरा आदमी है, जो आम एक आदमी होता है सामाजिक तौर पर छोटी मोटी ठगी मारता है, तो उससे भी गया गुजरा आदमी है, इसको किस हिसाब से गुरु बनाओगे। चलो फिर भी आप ये पोस्ट जो डाल सकते हैं वो पोस्ट डालना कि भाई नकली वाले जमुरे मंत ने जो माफी मांगी है और इसकी जो खुसरा गैंग की सरगना ने माफी मांगी है, कि भाई कम से कम इस बात की पुष्टि तो करो भी आज के बाद संगत को ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की पक्की रसीद मिलेगी पैसे की, जब पैसा किसी ने खाना ही नहीं तो फिर दो नंबर में काला पैसा चाहिए ही क्यों, अफसरों को रिश्वत देने के लिए, वकीलों को रिश्वत देने के लिए, जजों को रिश्वत देने के लिए, या नेताओं के पार्टी फंड में डालने के लिए, किस काम के लिए चाहिए ये नकली, ये दो नंबर का पैसा, इसकी भी तो घोषणा कर स्पष्ट करे ना। खैर तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, हमारा आज इतना ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है, हमारे को यही बताना था भी सोमवार कल सुबह सुबह 7 बजे, बिना किसी को संगत में ये जानकारी नहीं है, बावजूद इसके हजारों लोगों को बरनावा आश्रम बुलाया गया, कुछ खास लोगों को लेकर आए थे, नाम देने के नाम पे सिर्फ उन्हीं को डेरे में एंट्री दिलवाई गई, फिर बाकी लोग जो नाम दिलवाने के लिए संगत को ले आए थे उनको डेरे के बाहर रखा गया, एंट्री नहीं दी गई, सड़क पे खड़ाए रखा गया। उसके कुछ घंटे बाद हिंसा पनपती है कहां पे, नूह फरीदाबाद वगैरह वगैरह हिस्से में, और ये हिंसा दिल्ली दंगे की तर्ज पे ही पनपती है, और ये पुलिस कह रही है हम नहीं कह रहे, और दिल्ली दंगे के तर्ज में कैसे एडम ब्लॉक के सदस्यों ने रेकी करके कैसे ये सारा इंतजाम एक सर्विलेंस ब्लैकआउट बनाया, ये आप सब जानते हैं। एक तरफ इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड में बरनावा आश्रम आने की सबको मनाही है, दूसरी तरफ मजलिस भी कैंसल होती है उस दिन, और फिर भी हजारों लोग बरनावा पहुंचते हैं, और उसमें से भी सिलेक्टेड लोगों की एंट्री होती है, तो क्या वो नाम देने के लिए बुलाए गए या किसी खास काम के लिए बुलाए गए, ये आपको खुद समझ आ जाना चाहिए, हम नहीं इसमें से ज्यादा कमेंट करना चाहते। इसके अलावा जो जिसे असली गुरु पिताजी माने बैठे हैं वो इस बात की माफी मांग रहा है कि आज के बाद मैं संगत के पैसे नहीं खाऊंगा, मैं इसका प्रण लेता हूं, और हनीप्रीत भी इसका प्रण ले रही है, और उसके बावजूद ये बताया नहीं जा रहा है कि ग्रीनेस की पक्की रसीद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा फिर भी काले धन के रूप में ही इकट्ठा होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, जो अब तक खाता आया वो आगे नहीं खाएगा, लेकिन ये माफी क्यों मंगवाई गई, ये माफी डेरा के प्रबंधकों ने मंगवाई, क्योंकि डेरा के प्रबंधक जो दो नंबर का पैसा संगत से उठाते हैं उसके हिस्से का कुछ पैसा एडम ब्लॉक की मर्जी के बगैर जमुरे मंत ने और उसकी वीरपा सॉरी हनीप्रीत ने खर्च दिया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए, और इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे,
किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही है।